हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब। वी आर फाइनली बैक विथ अनदर वीडियो और आज की वीडियो में हमारे साथ है ग्रैनी और आज हम ग्रैनी का गेम प्ले करेंगे। चलो जल्दी से गेम को शुरू करते हैं और यहाँ हमारा डे वन शुरू हो चुका है गाइस। तो वैसे तो आप लोगों ने ग्रैनी गेम देखा हुआ होगा। तो यार इसकी जो स्टोरी है वो ये है कि हमें इस दादी के घर से भागना है और हमें भागने के लिए मिलेंगे पूरे 5 दिन और दादी ने हमें इस रूम में बंद करा है और जल्दी से भागते हैं इस रूम से और हमें ग्रैनी से बचना है। और निकलने के सिर्फ 2 रास्ते, एक सामने जो गेट है वो और एक नीचे कार है, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जाके। तो यार कहीं जिसमें हमें सारी दराजी भी चेक करनी है और बिल्कुल भी साउंड नहीं करना है। और ये देखो हल्का सा साउंड हुआ है तो ग्रैनी आएगी, जल्दी से इस बेड के नीचे छुप जाते हैं। और ये देखो आ गई, देखा, इससे बचना है हमारे को। ये दादी है ना, इसकी स्पीड भले स्लो है लेकिन इसके कान बहुत तेज़ है भाई। तो जल्दी से बाहर निकलते हैं, सामने रेंच है, इसको भी उठा लेते हैं। इसका वैसे बाद में यूज़ आएगा, इसको उठा लेते हैं और यहाँ से भागते हैं। अबे तू, इसको कौन सा साउंड चला गया भाई, कौन से कान है इसके, के शार्क के कान है, किसके कान है। भागो जल्दी से, नीचे भागते हैं, यहाँ से किचन में घुस जाते हैं, किचन की दरवाजे भी चेक करते हुए चल रहे हैं। दादी जो है हमारी थोड़ी स्लो हैं, दादी का साबुन स्लो नहीं, दादी के पाँव स्लो हैं बस। जल्दी भाग 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 भाग, अरे दादी तो पीछे पड़ गई। ले गाइस, यहाँ हमारा पहला दिन जो है वो ख़त्म हो चुका है यार, अपडेट 2 पे आ गए हैं और हमें सिर्फ टोटल 5 दिन मिलेंगे इसके घर से भागने के लिए। तो दोबारा डे 2 भी वहीं से शुरू हो रहा है, उसी कमरे से। डायरेक्ट दादी ने हमारे सर पे बल्ला मारा था जिसकी वजह से हम बेहोश हो गए थे यार। तो भागते हैं जल्दी से, दादी से के नाक के नीचे से सारा सामान लेके भागते हैं। देखो जरा दादी ने यहाँ पे क्या फेंका हुआ था। भागो भागो भागो, एक रास्ता यहाँ पर है, यहाँ चल लेते हैं। कटिंग प्लायर्स, इसको भी उठा लेते हैं, काम का है। नीचे चलते हैं, इनको हटाते हैं, एक रूम है। तो ये था एक रूम, अब इस रूम से हम जल्दी से बाहर निकल जाते हैं इससे पहले कि ग्रैनी आए। और यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक ऊपर का जहाँ से हम आए, हम नीचे भागते हैं। तो यार गाइस जब तक ग्रैनी नहीं आ रही सामने, ये 2 दरवाजे हैं, इन्हें भी चेक कर लेते हैं, क्या पता इनमें कुछ काम की चीज़ हो और हमें वेपन की मिल जाए। सामने बिल्कुल हमारे वेपन रखा हुआ है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको अगर वेपन की मिलती है तो। यहाँ से थोड़ी सी नॉइज़ करके जाते हैं, ये हमने साउंड कर दिया है ताकि ग्रैनी जो है वो यहाँ आए और हम पता है कहाँ भाग रहे हैं, हम ग्रैनी को अपने पीछे नहीं लगा रहे, हम इस गुफा से निकल जाएंगे इस साइड पर। तो यार ये देखो, अब क्योंकि साउंड यहाँ हो गया है तो ग्रैनी यहाँ आएगी, यहाँ एक और साउंड कर लेते हैं ताकि ग्रैनी यहीं पर ही आए और हम जो है उसके घर के दूसरे साइड पे चले जाएं। तो ग्रैनी, वैसे तो आपने सुना होगा कि कुत्ते पीछे पड़ गए, पागल पागल पीछे पड़ गए, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि भाई दादी पीछे पड़ गई है। यहाँ पर आपकी जो ग्रैनी है वही हमारे पीछे पड़ गई है। यहाँ एक लेटर है, अच्छा तो जो हमसे पहले जो फंसा था ये उसका लेटर है, उसको स्किप मारते हैं, कटिंग प्लायर्स उठाते हैं और देखते हैं दादी यहाँ पे आई, क्योंकि हमने यहाँ आवाज़ करी है तो ग्रैनी आई तो ज़रूर होगी। स्लो है लेकिन ग्रैनी के कान बहुत तेज है भाई, ले 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 ले, देखा आपने, ये तो बिल्कुल ही मुंह पे खड़ी हुई थी, कैसे छुपके में बाहर निकलता तो ये मार देती। अब जल्दी से हम पीछे भागते हैं क्योंकि ये यहाँ खड़ी हुई है, इंतज़ार कर रही है। मैं आपको जब तक इसका पीछे का घर दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ है हमारे ग्रैनी के हाउस का बैकयार्ड, समझ लो पीछे का हिस्सा है ये। यहाँ क्या क्या है मैं अभी दिखाता हूँ आपको, बाहर निकलते हैं, यहाँ इधर तो फिलहाल कुछ नहीं है। यहाँ एक हम यहाँ से साउंड कर लेते हैं ताकि ग्रैनी यहाँ आए और तुम्हारा भाई जो है वो यहाँ से भाग जाए। अच्छा यहाँ पे ना साउंड नहीं होता, आपने देखा होगा मैंने कटिंग प्लायर फेंका लेकिन साउंड नहीं आया। इस अंदर की जो जगह है ना, ना यहाँ पर ग्रैनी आ सकती है और ना यहाँ पर साउंड होता है। तो कटिंग प्लायर से हम जल्दी से ये वायर काट देते हैं। कटिंग प्लायर के 2-3 काम है, एक ये वायर काटना है, एक मेन गेट का वायर काटना है और एक और वायर है वो ऊपर काटना है। यहाँ क्या है, यहाँ पेंटिंग का एक पीस पड़ा हुआ है, इसको जल्दी से लगा देते हैं। अगर ये गाइस हम ये पेंटिंग पूरी कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 दिन और एक्स्ट्रा। तो हैमर है, हैमर का मैं भी आपको काम बताता हूँ, लेकिन यह शोर हुआ है तो ऑफ कोर्स हमारी ग्रैनी के जो है वो कान बोते ग्रैनी लाजमी आएंगी, आ चुकी हैं। तो अब जाहिर है ग्रैनी यहाँ पर है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम घर के पीछे वाले हिस्से में चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या था। वहाँ मुझे शॉटगन का एक पीस दिखा था, जी हाँ ये रहा, इसको उठा लेते हैं। इसकी मैं आपको भी जगह भी बताता हूँ शॉटगन के पीस की, लेकिन पहले हमें यहाँ शोर करना है, यहाँ से डोरबेल बजानी है। ग्रैनी ने अपने घर पर जो है वो डोरबेल लगा के रखी हुई है, जैसे ही हम वहाँ से जाते हैं तो ग्रैनी आ जाती है।
तो जल्दी से इस गुफा से निकलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ लगेगा। तो जो शॉटगन के लिए हमारे को बेसिकली 3 पार्ट्स चाहिए होते हैं, अभी हमारे को सिर्फ 1 पार्ट मिला है, बाकी के 2 पार्ट पता नहीं ग्रैनी ने कहाँ छुपाए हैं। और घर से जैसे मैंने आपको बताया कि 2 रास्ते हैं निकलने के, एक घर और एक गाड़ी। अभी मैं आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ, ये देखो ये है ग्रैनी की खचाड़ा गाड़ी ये है अब। और ये गेट भी बंद करा हुआ है हमारी ग्रैनी साहिबा ने। और गाड़ी के अंदर ना बैटरी है, ना इंजन है, ना स्पार्क प्लग है, ना गैसोलीन है। अच्छा, ये एक छुपने की जगह थी, अब जल्दी से ऊपर चलते हैं। और ऊपर चल के हमने यहाँ कटिंग प्लायर छोड़ा था, उस कटिंग प्लायर को उठाते हैं और शोर करते हैं। कटिंग प्लायर उठा लिया, अब यहाँ हम थोड़ा सा शोर कर देते हैं। तो ये शोर भी हो गया, साउंड हो गया। और ये शोर करके हम इस गुफा में घुस जाते हैं ताकि ग्रैनी जो है हमारे को वहाँ ढूंढने आए फ्रंट पे। अब हम तो इन गुफाओं से निकल सकते हैं मगर ग्रैनी नहीं निकल सकती, तो उसको क्या करना पड़ता है, वो पूरा घर घूम के जाती है तो हमें टाइम मिल जाता। अब इधर चलते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ ये है, इसको उठा लेते हैं। ये जो अभी बेसिकली हम घर के पीछे वाले हिस्से पे गए थे ना, ये वहाँ लगेगा। अंदर एक और रूम है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखो ये ऊपर से एक और रूम खुलता है, इसमें ऐसा खास कुछ होता तो नहीं है लेकिन कभी कभार यहाँ सामान रखा हुआ होता है। ये एक टेडी है, टेडी का कोई खास काम नहीं है, इसके टेडी का जो काम है वो ग्रैनी चैप्टर 3 में है। और हाँ गाइस, ये जो हम खेल रहे हैं अभी चैप्टर 1 खेल रहे हैं, आप लोग देखो इंशाल्लाह हम इसका चैप्टर 2 भी करेंगे और चैप्टर 3 भी करेंगे, और जॉन सा स्केप बोलोगे वो स्केप करेंगे। इसमें तो फिलहाल 2 ही हैं, एक गेट से निकलना और एक कार से भागना। अभी हमारे को खास कोई सामान मिला नहीं है तो देखते हैं या तो गेट से भागेंगे या फिर कार से भागेंगे। चेक करते हैं किससे भागते हैं। तो चलो जल्दी से, अब शोर अब समझ जाओ, मैं जब बार बार जो शोर कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, ताकि साउंड करूँगा तो ग्रैनी वहाँ आएगी। यहाँ से हम जल्दी से जाके इसको हैंडल को कुएं पे लगाएंगे और वहाँ से भी पानी निकालेंगे, जो कि वेल है, उस वेल में से हम पानी निकाल लेते हैं चल के जल्दी से। सॉरी, पानी नहीं निकालना, उसके अंदर एक बकेट होगी, उस बकेट के अंदर कुछ ना कुछ सामान होगा, लाजमी होता है। तो बस दुआ करो कोई काम की चीज़ हो हमारे। तो यार, इसको जल्दी सामने इस वेल पे लगा देते हैं, ये वेल का हैंडल है, इसको लगाते हैं और इसको जल्दी से हम घुमाना शुरू करते हैं ताकि हम कोई ना कोई पार्ट मिले। देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है। चल भाई जल्दी आ जा। और ये तो एक इंजन पार्ट है, इसको उठा लेते हैं इंजन पार्ट को और जल्दी से थोड़ा सा शोर करते हैं ताकि ग्रैनी यहाँ पर आए और हम इसको इसकी जगह पर लगा कर आएँ। ज़ाहिर है इंजन पार्ट है तो कार में लगेगा। यहाँ नीचे से चलते हैं। तो यार भाई लोगों, जब तक मैं इसका इंजन पार्ट लगाता हूँ आप लोग भी देखो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो AI एक्सप्लेन पर, आपको यहाँ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। ग्रैनी इस वक्त हमारे बिल्कुल ऊपर है और हम उसकी नाक क्या उसके नीचे से ही निकल के जा रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार इसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को मोटिवेट करो। इसको हम जल्दी से भी इंजन पार्ट को लगाते हैं यहाँ कार के अंदर। ये खचाड़ा कार है भाई, इसका सब सामान निकला है और रेड रेड आ रहा है। इसका जो काम है, इसका काम है व्रेंच का। व्रेंच हमने कहाँ देखा था यार। हाँ ठीक है ठीक है, व्रेंच जब भी हम वो जो है उसको लेकर आएंगे, उर्दू में उसको कहते हैं पाना और हिंदी वगैरह में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता गाइस, कमेंट करके बता दो अगर कोई इंडिया से मेरा भाई देख रहा है तो। अरे मैया, ग्रैनी आ गई है, भागो 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 यार, इसके घर से निकलना तो अजाब बन गया है भाई। यहाँ से रिमोट कंट्रोल उठा लेते हैं और जल्दी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। सामने एक डोर है, इस डोर को खोलते हैं, इस रूम में देखते हैं कुछ काम का है, कुछ भी काम का नहीं है यार, ग्रैनी ने सब छुपाया हुआ है। तो सामने ये दराज है, इसको भी चेक कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। ये कौवा बंद हुआ हुआ, इसके पास एक पिलाउस की है, इसको अभी नहीं उठा सकते तो कौवा मारेगा। नीचे चलते हैं, नीचे ये ग्रैनी का गटर है, यहाँ भी इससे ये रूम खुलता नहीं है तो इसको हमें यहाँ से झाँकना पड़ेगा। क्या छुपाया हुआ है ग्रैनी ने यहाँ पर, क्या है ये, तो एक मीट है। ये ऊपर ग्रैनी ने एक पेट पाला हुआ है, एक कौवा, उसके अलावा भी एक पेट है। ये क्या है सामने, पेडलॉक कोड है, इसको उठा लेते हैं। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा यूज़ होगा, वैसे ये गेट के लिए यूज़ होगा जहाँ तक मुझे ख्याल है। बहरहाल आवाज़ हुई है, ग्रैनी आएगी, अब चेक करते हैं। ग्रैनी वो आ गई भाई, आ गई, लेकिन अंदर नहीं आ सकती ग्रैनी, तो हम यहाँ जितनी देर चाहे छुप सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये अंदर गुफा की जगह है, यहाँ ग्रैनी नहीं आएगी। तो आई थिंक अब चले गई होगी, बाहर चल के देखते हैं ग्रैनी गई या नहीं गई। और ऊपर चलते हैं, चलो। ओह यार शिट, ये देखो यहाँ पर ये ग्रैनी ना जहाँ जाती है, इसको शक होता है ना कि हम यहाँ हैं, तो ये छोड़ के चले जाती है। अब क्योंकि आवाज़ हुई है ग्रैनी वापस आएगी, जल्दी भागते हैं इस गुफा के अंदर। उसने हमें भागने का मौका ही नहीं दिया गाइस।
तो यार अब यहाँ पर यार डे 3 शुरू हो चुका है हमारा, और मेरे ख्याल में हमने जो डिफ़िकल्टीज रखी थी वो नॉर्मल रखी थी। मेरे ख्याल में मुझे पहले ईजी में ट्राई करना चाहिए था। खैर बहरहाल कोशिश करते हैं कि हम करें। हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, नहीं बल्कि 2 दिन तो अभी हम गए हैं। डे 3 पूरा बचा है, डे 4 बचा है और डे 5 भी बचा है, तो कर लेंगे, कोशिश करते हैं कर लेंगे। यहाँ पे इसको हमने वैसे चेक कर लिया था, फिर दोबारा कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ से नीचे जाते हैं, नीचे आने का रास्ता मैं आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा, इस वास को मैं क्यों साथ लेके जा रहा हूँ अपने, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ताकि हम इसको शोर करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि हम ग्रैनी को ज़रा फंसाएं, बहुत देर हो गई ना ग्रैनी हमारे पीछे, अब ज़रा हम ग्रैनी के पीछे पड़ते हैं और उसको हम फंसाते हैं। ये आप देख रहे हो, मैं खुद शोर कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि ग्रैनी मेरे पीछे आए। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, मैं खुद चाहता हूँ ग्रैनी मेरे पीछे आए। ये देखो उसकी वजह है ये, हम इस रूम में जाके जैसे ही आवाज़ करेंगे ग्रैनी आएगी यहाँ पर। तो अभी हम सामने छुपने की जगह इस पर छुप जाते हैं। अरे भाई मैं बाहर क्यों रह जाता हूँ, ग्रैनी आ जाएगी जल्दी अंदर चल। तो जी हाँ, अब यहाँ छुप जाते हैं और यहाँ छुप के ग्रैनी का इंतज़ार कर रहे थे, और ग्रैनी फ़ौरन आ गई। इसको रूम में जाने देंगे, तो जल्दी से जैसे ये रूम में गई हमें इस गेट को करना है बंद, और सामने ये देख रहा हूँ इसको लगाना है। अब ग्रैनी बाहर नहीं आ सकती, यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे। जो बटन दिख रहा है आपको, ये जो बटन है ना, इसको हम ऑन कर देंगे। अब अंदर शुरू हो जाएगी गैस, कोई किस केमिकल वगैरह या कोई गैस है जिसकी वजह से ग्रैनी हो जाएगी बेहोश। तो जी हाँ गाइस, हमारे को जो है कुछ टाइम मिल जाएगा, ग्रैनी हमें तंग नहीं करेगी, और उस टाइम पे हम जल्दी से देखेंगे। देखो ऊपर लिखा हुआ आ गया है कि ग्रैनी 1 मिनट के लिए जा चुकी है। तो जल्दी से यहाँ से हैमर उठाते हैं और हैमर का काम करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि 2-3 जगह है जहाँ हैमर इस्तेमाल होगा। तो 1 मिनट है, जितना जल्दी हो सकता है हम 1 मिनट में वो उसको निपटाते हैं। तो जी हाँ गाइस, यहाँ हमें हैमर की ज़रूरत है, इसको जल्दी से हटा देते हैं और अंदर चलते हैं। चल भाई जल्दी हट जाए यार, ये क्या मेरे हाथ में ये आ गया, हैमर उठा लो, अंदर चलो। पहले तो अंदर देखते हैं क्या है। और यहाँ हमारे पास शॉटगन का एक और पार्ट मिल चुका है, यानी हमारे पास शॉटगन के 2 पार्ट हो चुके हैं, 1 पार्ट नहीं है। तो यार 1 पार्ट मिसिंग है, पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो चलो जल्दी से शॉटगन का पीस उठा लिया है, और 1 मिनट भी जो है वो होने वाला है। तो या तो हो गया होगा, ग्रैनी आ गई होगी। हैमर उठा लेते हैं यार, शॉटगन का पीस मैंने वहाँ फेंक दिया है सीढ़ियों के पास, क्योंकि उसकी ज़रूरत नीचे ही है। यहाँ से हैमर भी उठा के लेके चलते हैं साथ साथ, और हैमर को हम अंदर फेंक देते हैं, और शॉटगन का पीस भी उठा लेते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का जो काम है अब वो घर के दूसरे साइड पर है, तो उनका यहाँ पर फेंकना का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसको यहीं पर ही करते हैं ड्रॉप, और पीछे चलते हैं, पीछे से हैमर उठा कर लाते हैं। और ले ग्रैनी तो हमारे बिल्कुल ही पीछे थी भाई, ये देखो ज़रा, हाँ हमने साउंड भी तो पीछे ही गया था, तो जाहिर सी बात है ग्रैनी पीछे ही आएगी। इसको जाने देते हैं और अब हैमर उठाने चलते हैं। तो यार गाइस हम क्या करते हैं, जल्दी से हैमर को यहाँ से उठा के यहाँ पे एक दफ़ा साउंड कर देते हैं, ताकि ग्रैनी यहाँ पर आए। तो ग्रैनी यहाँ आती है तो हम पीछे क्या करते हैं, जल्दी से जो हमें शॉटगन का पार्ट मिला हुआ है ना, उसको नीचे लगा कर आ जाते हैं। ग्रैनी आ गई है तो जल्दी से शॉटगन का पार्ट उठाते हैं और पार्ट को नीचे लगा कर आते हैं कार के पास। यहाँ से नीचे जाना है हमें, और ये हमने यहाँ शॉटगन का पार्ट भी लगा दिया है। तो अब क्या करते हैं, अब ऊपर चलते हैं, या फिर ऊपर जाने से पहले हम एक दफ़ा ग्रैनी को फंसा लेते हैं। फंसाने के लिए हमें इस रूम के अंदर जाना है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा साउंड करना है ताकि ग्रैनी नीचे आए, और जैसे ही ग्रैनी यहाँ आए ये हमें इससे पहले हमें जाके छुपना पड़ेगा। वहाँ पर छुप जाते हैं, और मैं यहाँ हमेशा बाहर रह जाता हूँ यार, मैं बाहर क्यों रह जाता हूँ भाई, ग्रैनी आ जाएगी। इसको बंद कर लेते हैं, और हमारे बंद करते के साथ ही ग्रैनी आ गई है, इसके रूम में जाने का इंतज़ार करते हैं, और ग्रैनी रूम में चले गई है। जल्दी से हमें भागना है यहाँ, हमें सिर्फ सेकंडों का काम करना है, और जल्दी से इसको बंद कर देते हैं। अगर यहाँ हमें करने में देर कर देते तो ग्रैनी हमें मार देती। खैर तो अभी हमने ग्रैनी को फंसा लिया है, बच्चियाँ फंसाने की उम्र में हम दादियाँ फंसा रहे हैं। खैर अब जल्दी से ऊपर चलते हैं, यहाँ से कटिंग प्लायर उठा लेते हैं, और कटिंग प्लायर से ऊपर की वायर भी काट देते हैं। ग्रैनी 1 मिनट के लिए जा चुकी है, यहाँ से ये वाली वायर कटनी है, इस वायर को काट देते हैं। ऊपर यहाँ पेडलॉक कोड लगेगा, पेडलॉक कोड तो हम नीचे गटर में छोड़ के आ गए थे, अब गटर में कौन जाए। खैर आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, इसको चेक नहीं करा। यहाँ क्या है, इस दराज में ये स्पार्क प्लग है, अच्छा है, इसको उठाते हैं, ये हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि हम कार से ही स्केप करेंगे। अब जल्दी से हम यहाँ भागो भाई, किचन में घुसकर हम यहाँ से नीचे ले जाते हैं, किचन की थोड़ी सी तलाशी भी ले लेते हैं। ग्रैनी अभी नहीं आएगी, ग्रैनी 1 मिनट के लिए गई हुई है।
कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ ग्रेनी ने, देख रहे हो ये हमारी ग्रेनी का किचन है, साफ सुथरा किचन है वैसे तो, मतलब फैलावा नहीं हुआ हुआ है, तो खैर ख़त्म शुदा किचन। यार इसमें क्या है, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ हमारी ग्रैनी ने, खाती पीती क्या है, हमारा ही खून पीती है क्या। अरे एक वाटरमेलन रखा हुआ है, पर ये वाटरमेलन हमारे खाने के लिए नहीं है, इसके अंदर एक की छुपी हुई होती है, उसको भी हम अभी निकालेंगे, लेकिन पहले इस स्पार्क प्लग लगा कर आते हैं नीचे। जल्दी से कार के पास चलते हैं और स्पार्क प्लग को लगाते हैं। तो यहाँ लगेगा हमारा स्पार्क प्लग, इसको हमने लगा दिया है। तो यार स्पार्क प्लग लगाते के साथ ही मैंने जो है ग्रैनी को एक दफ़ा और फंसा दिया है। जैसे कि तुम लोग जानते हो तुम्हारा भाई बच्चियाँ फंसाने में तो माहिर नहीं है, लेकिन दादियाँ फंसाने में बड़ा माहिर है। अब क्योंकि ग्रैनी एक मिनट के लिए जा चुकी है, तो हम जल्दी से ऊपर चलते हैं और यहाँ से वाटरमेलन उठा लेते हैं। इस वाटरमेलन को हमें खाना नहीं है, मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले ज़रा किचन के जो ऊपर के दो दरवाजे रह गए हैं इन्हें भी खोल लेते हैं, ये भी कुछ ही नहीं है, खाली है। तो जल्दी से वाटरमेलन को हम चलते हैं और मैं बताता हूँ ये कहाँ कटेगा। ये देख रहे हो, ये है एक खुफिया रास्ता, हमें यहाँ से जाना है। यहाँ पहले आ चुके हैं लेकिन इस रास्ते से नहीं आए हैं। तो ये जो मशीन दिख रही है ना तुम्हारे को, जी बिल्कुल यही, वैसे तो ये ग्रैनी ने सर काटने के लिए रखी हुई है, वो भी हमारा ही, लेकिन हम इससे काटेंगे वाटरमेलन। और इसमें तो हमें मिली है एक की, ये है मास्टर की, इसको उठा लेते हैं और जल्दी से चलते हैं, इसी रास्ते से चलते हैं। हमने शोर करा है लेकिन अभी ग्रैनी नहीं आएगी। और मास्टर की को हम इस टेबल पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मास्टर की जो है वो दरवाजे से भागने के काम आती है, हमारे किसी काम की नहीं है। यहाँ क्या, यहाँ एक कोकव्हील है, इसको उठा लेते हैं और इसकी जगह पीछे है, इसको पीछे रख कर आ जाते हैं। यहाँ इस प्ले हाउस के अंदर डलेगा ये कोकव्हील। यहाँ दो ऐसे डलते हैं, अभी हमें एक ही मिला है। तो यार भाई लोग मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ग्रैनी आ रही है, मुझे फुट स्टेप्स आ रहे हैं। अच्छा इसको हम ग्रिल को हटा देते हैं, यहाँ से हम सीधे गटर में पहुँच जाएंगे। और ये मुझे लगा है ओ देखो देखो देखो, सही लगा था मुझे, फुट स्टेप्स आ रहे थे, ग्रैनी आ रही थी। जल्दी से भागते हैं, ये सामने ब्रेंच पड़ा हुआ है, इसको उठा देते हैं, क्योंकि हम नीचे इंजन पार्ट लगा कर आए थे, उसकी फिटिंग नहीं करी थी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से पहले चल के वही कर लेते हैं, क्योंकि हमें भागना तो कार से ही है ना, तो उसके लिए हम नीचे जाते हैं जल्दी से और इस ब्रेंच के काम को निपटाते हैं। ग्रैनी थोड़ा स्लो आएगी जब तक, हम निपटा भी देंगे और कोशिश करेंगे ग्रैनी को एक दफ़ा और फंसाने की, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई। पहले इसको ज़रा लगा लेते हैं जल्दी से, ये हमने इसका ब्रेंच का काम हो गया है। तो अब इसी से हम ग्रैनी को फंसाते हैं, अंदर चलते हैं और शोर करते हैं, ताकि जो हमारी दादी है खड़ूस, हमारी दादी तो नहीं है, पता नहीं किसकी दादी है, लेकिन कैद हमें करा हुआ है। तो ग्रैनी का इंतज़ार करते हैं, आ गई है ग्रैनी, इसको चल के जल्दी से अब दोबारा, आपको पता है क्या करना है, तुम तो भाई को देख देख के तुम भी एक्सपर्ट हो जाओगे दादियाँ सेट करने में। दादी को हमने एक दफ़ा और पागल बना दिया है, तो जल्दी से चलते हैं, भागते हैं यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ग्रैनी एक मिनट के लिए गई हुई है, तो हम ऊपर आराम से घूम सकते हैं, ऊपर चलते हैं। और ऊपर हमने ये ग्रैनी का वॉशरूम है, इसको चेक करते हैं। ग्रैनी के वॉशरूम में नहीं गए हैं हम अभी तक, इस वॉशरूम को भी चेक कर लेते हैं, कैसा गंदा वॉशरूम होता है, ग्रैनी साफ़ नहीं करती क्या, कुछ भी नहीं है। और ये लो बताओ कमबोर्ड के अंदर कार की कौन रखता है भाई, ग्रैनी रखती है और कौन रखता है। चलो कार की हमें मिल चुकी है, अच्छी बात है, कार की मिल गई है तो ज़रूर कार की डिक्की खोल के भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तब तक और भी चेक कर लेते हैं इन दराज़ों को भी, कुछ भी नहीं है इन दराज़ों में। इस रूम में चलते हैं, इस रूम में भी दो दराजे हैं, इनको भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो यार कुछ भी नहीं है, दोनों में कुछ भी नहीं है, और मुझे लगा साउंड हुआ, जल्दी से इस बेड के नीचे छुप जाते हैं। और देखो बिल्कुल सही लगा था मुझे, ग्रैनी बिल्कुल एक सेकंड से आई है और हम बिल्कुल बाल बाल बचे हैं। तो अब जल्दी से इस कार की को लेके चलते हैं कार के पास, और कार में से हम कुछ ना कुछ निकालते हैं। तो कुछ ना कुछ निकालने के लिए हमें जल्दी से कार के पास जाना पड़ेगा, जल्दी से कार के पास चलते हैं और यहाँ थोड़ा सा शोर भी करते हुए चल लेते हैं, थोड़ा साउंड देते हुए चलते हैं, ताकि ग्रैनी यहाँ आए, क्योंकि कार उस साइड पर है। और यहाँ बैठ के भी हम थोड़ा साउंड करके चले जाते हैं, इस हैमर को उठा के साउंड कर लेते हैं, हैमर का भी हमें कोई काम नहीं है। अब ग्रैनी क्योंकि पीछे आएगी तो हम आराम से कार के पास जा सकते हैं और जाके कार की पूरी तलाशी ले सकते हैं कि ग्रैनी ने कार में क्या छुपाया हुआ है। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं, यार हमने ऊपर साउंड कर दिया है तो हमारे पास टाइम कम है। तो कार की डिग्गी खोलते हैं जल्दी से, पहले छुप जाते हैं कहीं ग्रैनी आ ना जाए, नहीं आ रही, चलो यार इसको भी डिग्गी को खोलते हैं। और हमें वेपन की मिल चुकी है, अब आएगा ना ग्रैनी मज़ा, अब बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमें छुपना पड़ेगा क्योंकि साउंड हुआ है। हमने वेपन की उठाई तो कार की हाथ से गिर गई, जिसकी वजह से ग्रैनी फ़ौरन यहाँ पहुँच चुकी है। तो इसके जाने का सब्र करते हैं। तो चलो अब ये बाहर जा चुकी है तो हम भी बाहर निकलते हैं और आराम से सुकून से पहले ये देख लेते हैं यहाँ गेट पे हमें क्या और
क्या चाहिए। अच्छा, इसके लिए हमें एक पैडलॉक की चाहिए खाली इस दरवाज़े को खोलने के लिए, और कार के लिए अभी हमारे पास बैटरी नहीं है और गैसोलीन नहीं है, ये दो चीज़ें नहीं हैं। तो कार हमारी रेडी है, और तीसरी चीज़ दरवाज़ा खोलने के लिए पैडलॉक की नहीं है। पैडलॉक कोड हमें मिला था लेकिन पैडलॉक की नहीं मिली, तो देखते हैं उसको भी ढूंढते हैं, शायद सेफ में से मिल जाए। तो उसके लिए हमें सेफ की ढूंढनी पड़ेगी। पहले यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देते हैं ताकि ग्रेनी जो है वो हमें यहाँ ढूंढे और हम जल्दी से पीछे से जाकर ढूंढेंगे अपनी सेफ की को। तो लेकिन पहले वहाँ पर वेपन की है, तो क्यों ना वेपन निकालें और दादी को ज़रा सुला दें, क्योंकि दादी को फंसा तो हम बहुत दफ़ा चुके हैं, तो हमें पता है। वीडियो तुम लोग देख रहे हो, जिसने पूरी वीडियो देखी तो समझ में आ गया होगा। तो ये वेपन की है और यहाँ से हमने इसको वेपन को लोड कर लेते हैं, और आवाज़ करने की साउंड करने की ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि साउंड तो हो चुका है। दादी खुद यहाँ पे आएगी, दादी का इंतज़ार करते हैं, और ये आ चुकी है ग्रैनी। तो ये इसको हमने ठोक दिया है, अब ये हमें तंग नहीं करेगी सिर्फ एक मिनट के लिए। लेकिन चलो एक मिनट भी बहुत है, इससे पहले भी हम ग्रैनी को 3-4 दफ़ा जो है फंसा चुके हैं, क्योंकि तुम लोगों को पता तुम्हारा भाई जो है बच्चियाँ फंसाने में तो माहिर है नहीं, लेकिन दादी को हमने बहुत दफ़ा फंसाया है, पीछे की वीडियो में देख सकते हो। अब जल्दी से हम क्या करेंगे, ऊपर ये देखो ये रखा हुआ है, इसको गिरा लेते हैं और देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलता है। तो ये हमें एक स्क्रू ड्राइवर मिला है, हाँ उसके ड्राइवर का मुझे पता है कहाँ यूज़ आएगा, जल्दी से उसको जाके स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम खोलते हैं। दो स्क्रूज़ हैं, उन दो स्क्रू को खोलना है और वहाँ से हमें कोई ना कोई की ज़रूर मिलेगी। तो ये दो स्क्रू खोल लेते हैं जल्दी से, और हमें सेफ की मिल गई है, बेहतरीन हो गया ना यार, सेफ की है तो हम ढूंढ रहे थे। तो जी हाँ, क्योंकि हमें जल्दी से सेफ की मिल चुकी है, तो अब जल्दी से सामने सेफ है, सेफ को खोलते हैं और देखते हैं सेफ में क्या है। सेफ में है बैटरी, चलो शुक्र है कि हमें बैटरी मिली, क्योंकि हमें कार से जाना और कार से जाने के लिए बैटरी तो लाजमी चाहिए। अब साउंड हुआ है तो ग्रैनी आएगी, ग्रैनी के जाने का इंतज़ार करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो जी हाँ, ग्रैनी जा चुकी है, अब हम बाहर निकलते हैं और जल्दी से बैटरी को जो है वो कार में फिट करके आ जाते हैं। तो ये हम नीचे आ गए हैं, यहाँ हमारी बैटरी लगेगी आगे। तो यार बैटरी हमने यहाँ लगा दी है, अब एक दफ़ा ग्रैनी को और फंसा लेते हैं। वैसे तो हम ग्रैनी को 4-5 दफ़ा फंसा चुके हैं, एक दफ़ा और फंसा लेते हैं, अब पता नहीं ग्रैनी फंस भी जाती है। वैसे तुम्हारा भाई प्रो हुआ हुआ है दारियाँ सेट करने में, फंसाने में, तो ग्रैनी को यहाँ भी फंसा लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे शोर करना है, ग्रैनी का इंतज़ार करना है। तुम लोग भी 4-5 दफ़ा ये चीज़ वीडियो में देख चुके हो, लेकिन अब मज़ा आ रहा है, ग्रैनी हर दफ़ा फंस रही है, तो इस वजह से हम भी ये चीज़ कर रहे हैं। ग्रैनी आ चुकी है, तो भाई दादी जो है अंदर कमरे में जा चुकी है, इसको बंद करते हैं जल्दी से। और ये हमने एक दफ़ा और सक्सेसफुली दादी को जो है वो फंसा दिया है। अब यहाँ रुकने का टाइम नहीं है भाई, जल्दी से हम भाग के दूसरे काम करते हैं, क्योंकि ग्रैनी जो है वो एक मिनट के लिए गायब हो चुकी है। हम अपना वेपन उठा लेते हैं और साथ में वेपन को लोड भी कर लेते हैं इस इंजेक्शन के साथ, जो कुत्ता हमारा इंजेक्शन है, लेकिन हम लगाएंगे अपनी दादी को। लेकिन दादी अभी एक मिनट के लिए गायब हुई हुई है, तो हम क्या करेंगे, जब तक हम जाते हैं, याद है आपको मैंने नीचे गटर में गए थे हम, और गटर में मैंने आपको एक रूम दिखाया था जिसका गेट लॉक था, वो जो लॉक है वो इतनी आसानी से नहीं खुलता। उसको खोलने के लिए हमें चाहिए होती है एक अदर शॉटगन, जो कि शॉटगन तो हम पूरे नहीं बना पाए, कोशिश करते हैं शायद इससे खुल जाए, शायद इससे ना खुले। तो उसके लिए हम गटर में चलते हैं जल्दी से। तो यार जल्दी से चलते हैं गटर में, और गटर में जाके जल्दी से उस लॉक को ओपन करते हैं, क्योंकि उसके अंदर रखा हुआ है मीट, और अगर वो मीट हमें मिल जाता है तो फिर स्पेशल की भी हमारे काम की होगी, वरना स्पेशल की हमारे किसी काम की नहीं होगी। जल्दी से यहाँ पर इसको हमें यहाँ निशाना लगाना, देखते हैं खुलता है कि नहीं। तो यार निशाना तो हमने सही लगाया, लेकिन इससे नहीं खुला था, इसका प्रेशर इतना नहीं होता, तो ये शॉटगन से ही खुलेगा। अब शॉटगन हमारे पास अभी है नहीं, हम क्या करें, क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर ही चलते हैं दोबारा। और मुझे लग रहा है ग्रेनी यहीं कहीं आसपास में है, लेकिन चलते हैं, शायद चले गई होगी यहाँ से। तो अरे ले, ये कहाँ से आ गई ग्रेनी हमारे बिल्कुल पीछे, और जी शिट, और यहाँ हमारा डे 4 शुरू हो चुका है, और हमारे आँखों के अंदर आ गया है खून। अब जल्दी जल्दी करते हैं ज़रा, इस पीस ऑफ पेंटिंग को जल्दी से आगे पेंटिंग पे लगाते हैं, क्या पता हमारे को एक बोनस डे मिल जाए। तो यार मैंने क्योंकि शोर कर दिया है नीचे, तो अब जल्दी से हम छुप जाते हैं, ग्रैनी यहाँ पर आएगी, यहाँ नीचे तो नहीं आएगी लेकिन ऊपर आएगी, वो देखो आ गई है सामने। अब इसको जा भाई जल्दी, जा चुकी है, तो एक दफ़ा अब हम ग्रैनी को और फंसाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ताकि हमें एक मिनट मिल जाए
और हमें दो या तीन चीज़ें ही चाहिए खाली यार। एक तो मैं बाहर पता नहीं क्यों रह जाता हूँ, जल्दी अंदर चलो। ओ शिट, ग्रेनी ने देख लिया, ये हमें मार देगी यार। डे फोर तो हमारा शुरू होते ही ख़त्म हो गया। डे फाइव द लास्ट डे शुरू हो चुका है, और लास्ट डे में भी हम क्या ही कर लेंगे। तो यार गाइस, कोशिश करते हैं कि हम कर लें। हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए खाली। एक हमारे को गैसोलीन का तो डब्बा चाहिए जिसके अंदर हमारी गैसोलीन है, और दूसरा हमारे को एक पैडलॉक की चाहिए बस। तो हमारा कार का स्केप हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ये कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो। हम जल्दी इसका स्केप लेकर आएंगे। वैसे कोशिश करते हैं कि हम अभी इसी में स्केप कर दें, लेकिन अगर हम नहीं कर पाए तो मेरा आपसे वादा है हम जल्दी ही इसका पार्ट टू लेकर आएंगे, और उसमें हम लाजमी करेंगे। तो क्योंकि ग्रैनी वहाँ खड़ी हुई थी, टाइम ज़्यादा वेस्ट करा रही थी हमारा, तो मैंने उसको पीछे से निकल के भाग गया, उसको घंटा पता भी नहीं चला। जल्दी से नीचे चलते हैं और यहाँ से हैमर उठा लेते हैं। अच्छा, हम ऊपर चलते हैं, हमारा जो चीज़ अब जो जगह है ना वो ऊपर ही है, वहाँ पे हमारे को हैमर और कटिंग प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। हम उन दोनों चीज़ों को लेकर ऊपर चलते हैं। तो ये है ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ से ऊपर चलते हैं और यहाँ पे शोर करते हैं ताकि ग्रैनी यहाँ पर आए और हम इस जाली से चले जाएंगे नीचे। लेकिन उससे पहले हमें ग्रैनी के आने का इंतज़ार करना है। तो यार गाइस, ग्रैनी के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, इसका मतलब ग्रैनी आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। हम इस ग्रिल से हम सीधे जाते हैं ग्रैनी के वॉशरूम में। अब वो ऊपर से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आएगी और हम यहाँ जल्दी से भाग जाएंगे और जाके कटिंग प्लेयर उठा कर लेंगे, क्योंकि हैमर तो हम ऊपर पूछा के आ चुके हैं, लेकिन हैमर के साथ साथ इन कटिंग प्लेयर्स की भी ज़रूरत है ऊपर। जल्दी से इसको वहाँ लेके पहुँचते हैं, और वहाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि बस उस रूम के अंदर हमारा काम हो जाएगा। कटिंग प्लेयर हमें इसलिए लेकर जाना है क्योंकि वहाँ पर हमें एक वायर काटनी है, क्योंकि एक फ़ैन लगा हुआ होता है उसके अंदर। ग्रैनी ने कोई ना कोई की 100% पैडलॉक की जो है वो उस फ़ैन के अंदर होगी, तो फ़ैन में हम डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते, इसलिए हमें कटिंग प्लेयर लेकर जाना पड़ेगा ताकि हम उसकी वायर काटें, और वायर काटते के साथ ही फ़ैन बंद होगा और हम उसको उठा लेंगे। सिंपल है। और गैसोलीन का जो कैन जो है, गैसोलीन जो है वो भी हमें वहीं मिल जाएगा। तो बस यहाँ शोर करते हैं और जल्दी से ऊपर चलते हैं। सिंपल है, दोनों चीज़ों को उठाते हैं और जल्दी यहाँ से भागते हैं कार लेकर। तो यार जल्दी से यहाँ से हमें जाना है ऊपर, और मैं पूरा घूम कर इसलिए आ रहा हूँ ताकि डोरबेल ना बजे। अगर डोरबेल बजेगी तो आपको पता है ग्रैनी आ जाएगी। अभी तक तो ग्रैनी यहाँ नहीं है, तो हम जल्दी से भाग लेते हैं। अरे यार, ये कहाँ से आ गई, शिट। और हमारा लास्ट डे भी गया, अब आप ज़रा एंडिंग एंजॉय करो। ग्रैनी हमें किस तरह से मारती है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ ज़रा। अब हमारा डे तो वो देखो, सामने दोनों चीज़ें चमक रही हैं, और मैं यहीं आने का कह रहा था यार, शिट। मैंने बहुत देर में यहाँ आने का फैसला करा। वो ग्रैनी क्या कर रही है, चमाटा मारेगी क्या? और ये ग्रैनी ने चमाटा मारा और हम धमाधम नीचे फ्लोर पे जाके गिरे और हमारा हो गया गेम ओवर। कोई बात नहीं गाइस, जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।